जय हिंद दोस्तों, हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पर आपको स्वागत है। मेरा पास है रियलमी C30। इस सेट पर FRP लॉक लग चुका है। तो FRP लॉक क्या होते हैं और कैसे बाईपास करना होगा, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, सेट को रिसेट करने के बाद सेट पर FRP लॉक आता है। तो FRP लॉक आने के बाद कैसे बाईपास करना होगा, पहले देखिए। इस तरह आपको एक लोगो मिल जाएगा। देखिए ये जो लोगो है, आपके सेट पर अगर FRP लॉक लग जाए तो आपको इस तरह एक लॉक का लोगो मिल जाएगा, मतलब आपकी सेट पर FRP लॉक लग चुका है। पहले आपको मिल जाएगा सिलेक्ट लैंग्वेज, तो कंटिन्यू करना होगा। तो लीगल इन्फॉर्मेशन टिक मार्क करके कंटिन्यू। तो पहले आपके सेट पर कोई भी एक वाईफाई को कनेक्ट कीजिए। तो देखिए वाईफाई को कनेक्ट कीजिए। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद गूगल सर्विस मोर एक्सेप्ट स्किप डन स्किप गेट स्टार्टेड नॉट साइन इन। अगर आपके सेट पर ये पेज आता है, आपको FRP को बाईपास करना होगा। तो FRP को बाईपास करने के लिए सेटअप फोन पर आप जब प्रेस करेंगे, डोंट कॉपी चेकिंग फॉर अपडेट्स चेकिंग इन्फो। तो देखिए वेरीफाई पैटर्न, आपके सेट पर जो पासवर्ड है, जो पिन है, जो पैटर्न लॉक है, पिन लॉक था, उस लॉक को आपको इधर देना होगा। अगर आपके पास लॉक है तो लॉक दीजिए। अगर आपके पास लॉक नहीं है बट आपके पास गूगल अकाउंट है तो यूज़ माई गूगल अकाउंट इंटरेस्ट पर प्रेस कीजिए। करने के बाद अगर आपके पास गूगल अकाउंट है, गूगल अकाउंट को आप इधर से लॉग इन कर सकती हो। अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है, उसका पासवर्ड भी नहीं है, आपके पास स्क्रीन लॉक भी नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको FRP को बाईपास करना होगा। तो FRP बाईपास करने के लिए पहले सेट को पहले स्विच ऑफ करना होगा, पावर को पहले ऑफ करना होगा। सेट को पहले पावर ऑफ कीजिए। पावर ऑफ होने के बाद सेट को एक बार रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए सेट पर आपको मिल जाएगा 3 बटन, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम माइनस और पावर की। वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके, वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके आपको पावर बटन को प्रेस करना होगा। जब सेट ऑन होगा तब पावर बटन को छोड़ना होगा और वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा। जब सेट पर आपको इस तरह एक पेज ओपन होगा, तो इस पेज ओपन होने के बाद लास्ट पर जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शन का नाम होगा फैक्ट्री रीसेट। चाइना पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो लास्ट पर जो ऑप्शंस है, तो फैक्ट्री रीसेट करना होगा, कुछ टाइम वेट करना होगा, कुछ टाइम वेट करने के बाद आपका सेट पर जो जितना भी सेटिंग्स आपने कुछ गलत कर दिया, ये सब कुछ रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद आप इजी FRP को बाईपास कर पाएंगे। तो कैसे करना होगा, इस वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप फुल वीडियो वॉच करना होगा, तब भी आप FRP जो है आप उसको अनलॉक कर पाएंगे। और इस चैनल पर Realme C30 का सभी प्रॉब्लम का सॉल्व मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। और इस वीडियो में Realme C30 का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके मुझे बोल सकती हो क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट करके मुझे बोल सकती हो, तो आपको ज़रूर हेल्प किया जाएगा। तो कुछ टाइम आपको इधर वेट करना होगा, Realme की इस लोगो पर आपको कुछ टाइम वेट करना होगा। तो देखिए रीसेट होने के बाद सिलेक्ट लैंग्वेज पर, देखिए सिलेक्ट लैंग्वेज पर नीचे एक ऑप्शन रहेगा इमरजेंसी कॉल। तो इमरजेंसी कॉल पर आपको प्रेस करना होगा। देखिए जो इमरजेंसी कॉल है, इमरजेंसी कॉल पर आपको प्रेस करना होगा। इमरजेंसी कॉल पर आपको डायल करना होगा *813# नंबर डायल करना होगा। डायल करने के बाद आपके सेट पर जो FRP है ये बाईपास हो जाएगा।
तो देखिए मेरा ये जो सेट कम्प्लीटली बाईपास हो चुका है। अगर ये वीडियो आपका हेल्प है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।